हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बायोमैथ क्लासेस। जैसा कि सीबीएसई की नोटिफिकेशन आ गई है कि 9th to 12th का जो सिलेबस है वो 30% रिड्यूस किया गया है, तो एक बार देख लेते हैं कि वो सिलेबस कितना कम किया गया है। तो सबसे पहले क्लास 9th साइंस में जो डिलीटेड पोर्शन है, मींस चैप्टर में से क्या क्या चीज़ें निकाल दी हैं। जैसे यूनिट 1 में है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, तो उसमें से क्या रिमूव किया गया है, डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, स्टेट मेल्टिंग है, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड द सब्लिमेशन। तो ये वाले जो हिस्से हैं इस चैप्टर में से ऑलमोस्ट रिमूव कर दिए गए हैं। सेकंड चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड या डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसे कहते हैं। तो इस चैप्टर में से मोस्टली जितने भी क्लासिफिकेशन थी या उनके करैक्टरिस्टिक फीचर्स थे वो ऑलमोस्ट सारे रिमूव कर दिए गए हैं, सिर्फ एक दो जो जनरल क्लासिफिकेशन है सिर्फ वो रह गई है। नेक्स्ट इज मोशन, मोशन फोर्स एंड वर्क। इसमें से फ्लोटेशन में से थर्स्ट प्रेशर है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी है, ये भी हटा दिया गया है। साउंड में नेचर ऑफ साउंड, इट्स प्रोपेगेशन ऑफ वेरियस मीडिया, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर भी हटा दिया गया है। तो इसमें से ऐसा है चैप्टर में से टॉपिक हटा दिए गए हैं ऑलमोस्ट, मतलब बहुत लिमिटेड सा, मतलब ऑलमोस्ट चैप्टर में से सिर्फ एक दो टॉपिक बचे हैं, सारा का सारा बाकी चैप्टर हटा दिया गया है। नेक्स्ट है फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन में जो ब्रीडिंग थी प्लांट और एनिमल्स या सिलेक्शन थी क्वालिटी एंड मैनेजमेंट की, वो सारा हटा दिया गया। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर वो भी रिमूव कर दिया गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग वो भी हटा दी गई है। इसके नीचे प्रैक्टिकल डिटेल है कि प्रैक्टिकल के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं जो हटा दी गई हैं, ठीक है। बाकी आप सीबीएसई के एकेडमिक कैलेंडर में जाके उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनल असेसमेंट में से आर एनवायरनमेंट जो है नेचुरल रिसोर्सेज का वो, और जो उसके अंदर साइकिल्स थे 9th क्लास में, वो भी रिमूव कर दिए गए हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं क्लास 10th में। फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का मेटल एंड नॉन मेटल एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो बेसिक जो मेटलर्जिकल प्रोसेस थी करोजन प्रिवेंशन वो रिमूव कर दिया गया है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा जो चैप्टर है वो रिमूव कर दिया गया है, सिर्फ बेसिक से टॉपिक रह गए हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। इस चैप्टर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से सारा चैप्टर हटा दिया गया है, सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन वो रह गया, बाकी सारा चैप्टर ये रिमूव हो गया। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें से सिर्फ एवोल्यूशन जो एंड का पोर्शन है ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में जहाँ थोड़ा सा दिया हुआ है बेसिक कंसेप्ट जो है एवोल्यूशन का, डीएनए वगैरह, वो सिर्फ रिमूव किया गया, बाकी सारा चैप्टर है ये। नेक्स्ट इज नेचुरल फिनोमेना। इसमें से ह्यूमन आई और जितनी भी उसकी प्रोसेसिंग थी वो सारी हटा दी गई है। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें से एसी डीसी वाला जो हिस्सा था वो रिमूव कर दिया गया है। आगे है नेचुरल रिसोर्सेज, ये बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर था, तो इसमें से ऑलमोस्ट सारे टॉपिक जो है हटा दिए गए हैं, जो अब डिलीट कर दिए, मतलब आपके जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे सीबीएसई के उसमें ये वाले चैप्टर में से ये वाली चीज़ें नहीं आने वाली। तो ये था अबाउट क्लास 9th एंड 10th सिलेबस, ओके। तब हम बात कर लेते हैं क्लास +1 के सिलेबस की। ठीक है, तो +1 क्लास में बायो में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या हट गई हैं, देखिए। फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट चैप्टर में से टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स और जो टूल्स थे, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, वो सारा रिमूव कर दिया गया है, ओके। प्लांट किंगडम में से एंजियोस्पर्म, क्लासिफिकेशन अप टू क्लास
एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड एग्जाम्पल मीन्स जिम्नोस्पर्म तक सारा आएगा. नेक्स्ट जो एंजियोस्पर्म वाला पोर्शन था प्लांट किंगडम में से सिर्फ वो रिमूव किए गए, बाकी सारी किंगडम आने वाली हैं. जो इजी वाला चैप्टर था फर्स्ट उसमें से रिमूव कर दिया गया है. सेकेंड इज स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स. मॉर्फोलॉजी में से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट रूट स्टेम लीफ फ्रूट एंड सीड्स जो उनकी मॉर्फोलॉजी थी जैसे स्टोरेज के लिए या डिफरेंट फंक्शंस के बेसिस पे जो मॉडिफिकेशन थी वो सारी मतलब काफ़ी डिटेल में था वो सारा हटा दिया गया है. डिस्क्रिप्शन ऑफ द फैमिली, फैमिली की जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन थी वो भी हटा दी गई है, सिर्फ सिंपल नेम और फॉर्मूला रह गए हैं. आगे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. एनाटॉमी एंड द फंक्शन ऑफ डिफरेंट टिश्यू, टिश्यू सिस्टम एंड डाइकॉट. जो भी टिश्यू सिस्टम था वो सेकेंडरी ग्रोथ किस तरह से होती है वो भी सारा रिमूव कर दिया गया है. नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल. तो इसमें से मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम, ठीक है, जैसे इंसेक्ट है इंसेक्ट कॉकरोच का जो था वो हटा दिया गया है कि बाकी तो पहले रिमूव हो गया था, सिर्फ कॉकरोच था जो अब सिलेबस में इंक्लूडेड था वो भी रिमूव कर दिया. नेक्स्ट वन इज प्लांट फिजियोलॉजी. प्लांट फिजियोलॉजी में से ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा चैप्टर जो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जनरल टर्म जैसे जो भी ट्रांसपिरेशन पुल है एपोप्लास्ट इम्प्लास्ट वो सारा जर्नल सारा हटा दिया गया, बहुत कम इसमें से बचा है. मिनरल न्यूट्रिशन उसमें से भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, बहुत थोड़ा सा रह गया ये भी. तो आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं. प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से सीड जर्मिनेशन डिफरेंशिएशन कंडीशन ऑफ ग्रोथ सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस इन प्लांट सेल सीड डोरमेंसी जो एंड वाला पोर्शन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से वो सारा हट गया. हार्मोनल जो वाला है वो एज इट इज ही है. नेक्स्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी. ह्यूमन फिजियोलॉजी में से डाइजेशन काफ़ी लेंथी चैप्टर था, उसमें से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं रिमूव कर दी गई हैं जो आपने खासकर टेंथ में पढ़ी हुई हैं बट यहाँ डिटेल में थी वो सारी रिमूव कर दी गई हैं. नेक्स्ट है लोकोमोशन एंड द मूवमेंट. लोकोमोशन में मूवमेंट में सिर्फ जो सीलरी मस्कुलर मूवमेंट है और डिसऑर्डर जो हैं मतलब ऑलमोस्ट चैप्टर एज इट इज है, थोड़ा सा जो डिजीजेस के बारे में था सिर्फ वो रिमूव हुआ है. न्यूरल कंट्रोल में से भी आई ईयर स्ट्रक्चर वो हटा दिए गए हैं, बाकी रिफ्लेक्स एक्शन सेंसरी परसेप्शन वो भी रिमूव कर दिया गया है. नीचे लिस्ट दी हुई है एक्सपेरिमेंट्स की, आप देख सकते हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं. नेक्स्ट स्पॉटिंग के लिए है. नेक्स्ट है अब प्लस टू क्लास में क्या क्या चीज़ें डिलीट हुई. तो प्लस टू क्लास में जो भी चीज़ें डिलीट हुई हैं इस साल के जो भी नीट एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चे या उसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सिलेबस में कोई रिडक्शन नहीं हुई है, उन्हें सारा कंप्लीट आएगा. नेक्स्ट सेशन में मे बी क्योंकि उन्होंने चैप्टर डिलीट नहीं किए कुछ टॉपिक डिलीट किए हुए हैं तो हो सकता है वहाँ पर थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाए, पर अदरवाइज प्लस वन प्लस टू स्टूडेंट्स के लिए यही है कि जितना भी सिलेबस है उसे सारा करें चाहे वो डिलीट ही क्यों नहीं कर दिया है. हाँ अगर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी है तो उनके लिए ये बेनिफिट है कि ये चीज़ें हटा दी गई हैं. तो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. तो उसमें से एसेक्सुअल जनरल जो मोड थे बाइनरी स्पोरुलेशन वो सिर्फ जनरल सा रिमूव किया गया रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से, जो जनरल स्टार्टिंग की प्रोसेसेस थी वो हटी हैं सिर्फ. नेक्स्ट इज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन. तो चैप्टर सेवन में से जेनेटिक्स कंप्लीट है. एवोल्यूशन में से ओरिजिन ऑफ लाइफ की जो थ्योरी थी जो जनरल एवोल्यूशन के एविडेंसेस थे या एवोल्यूशन के पैलेंटोलॉजिकल एनालॉगस होमोलोगस जो थ्योरी के बारे में था वो वेरिएशंस नेचुरल सिलेक्शन जो थ्योरी थी हार्वी इनवन प्रिंसिपल अडेप्टिव रेडिएशन मीन्स थ्योरेटिकल पोर्शन वाला जो हिस्सा है एवोल्यूशन का वो काफ़ी ज़्यादा डिलीट कर दिया गया. नेक्स्ट है बायोलॉजी इन एंड ह्यूमन वेलफेयर. इसमें से स्ट्रेटजी ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन
एनिमल हस्बेंड्री, ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन, लास्ट के टॉपिक हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट वन इज इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम में से बायोम्स, पिरामिड्स, सक्सेशन जो है, सी डिस्पर्सल, तो इकोसिस्टम में से काफ़ी चीज़ें रिमूव की गई हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज़ में एयर पोल्यूशन सारा रिमूव कर दिया है, क्लाइमेट चेंजेस, माइग्रेशन, ओजोन डिप्लीशन, जनरल सा था वो सारा यहाँ रिमूव हो गया है। तो आगे है एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या रिमूव करी गई हैं। तो ये था अबाउट कि CBSE ने जितना भी सिलेबस जो है वो रिड्यूस किया है फॉर क्लास 9 to 12।